नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बच्चों के एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आज हम बच्चों में कब्ज यानी के कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को समझेंगे। इस वीडियो में हम कब्ज क्या है, कब्ज के कारण, लक्षण, बचाव और उसके उपचार को समझेंगे। कब्ज का मतलब है स्टूल यानी के मल त्याग में कठिनाई। स्टूल्स कड़क या हार्ड होना या स्टूल इनफ्रीक्वेंटली होना, पर्याप्त पानी न पीने से बच्चों में कब्ज हो सकता है। बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स खाने से कब्ज हो सकता है। आहार में फाइबर की कमी होने से और पर्याप्त फिजिकल एक्टिविटी न होने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कड़क और ड्राई मल कॉन्स्टिपेशन का एक कॉमन लक्षण है। पेट में दर्द होना, ऐठन होना, पेट फूलना या भरा हुआ महसूस होना इसका लक्षण हो सकता है। हफ्ते में 3 से कम बार स्टूल पास होना कब्ज का एक संकेत हो सकता है। कब्ज से बचाव कैसे करें? हर दिन कम से कम 8 कप पानी पिए। एडिक्वेट फाइबर पाने के लिए पर्याप्त फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाए। आंतों को ठीक से काम करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करें। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज, पनीर, व्हाइट ब्रेड और मीठी चीजों को अवॉइड करें। कब्ज के लिए प्राकृतिक उपचार, आलू बुखारा का रस यानी के प्रून जूस स्टूल्स को नरम करने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। गर्म पानी से नहाने से मसल्स रिलैक्स हो सकते हैं और मोशंस में मदद मिल सकती है। पेट के हल्के हाथों से हल्की मालिश आंतों को उत्तेजित कर सकती है और दर्द से राहत दिला सकती है। डॉक्टर को कब दिखाएं? अगर कॉन्स्टिपेशन 2 हफ्तों से ज्यादा रहता है, अगर घरेलू उपचार काम ना करे, कब्ज के साथ साथ पेट में तेज दर्द या उल्टी हो या फिर मल में खून आने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। कभी कभी डॉक्टर स्टूल्स को नरम करने वाली दवाएं या लैक्सेटिव्स देने की सलाह देते हैं। मेडिसिन देते समय हमेशा अपने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। अपनी आंत को स्वस्थ रखने के लिए खाने में कई तरह के सीजनल फल, फ्रूट्स और सब्जियों को शामिल करें। ओट्स, ब्राउन राइस और होल व्हीट जैसे साबुत अनाज बहुत बेनिफिशियल होते हैं। प्रोसेस्ड फूड और मीठे स्नैक्स का सेवन सीमित रखें। अपने बच्चे को डेली एडिक्वेट पानी पीने के लिए इनकरेज करें। अपने बच्चे को नियमित रूप से बाथरूम जाना सिखाएं। टॉयलेट ट्रेनिंग दें। इंश्योर करें कि वे अपना समय ले और पॉटी करने में जल्दबाजी न करें। जब उन्हें इच्छा हो तभी उन्हें जाने के लिए एनकरेज करें। मेक श्योर कि आपकी बच्ची रोजाना कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करे। रनिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग जैसे कई स्पोर्ट्स बेहतरीन ऑप्शन है। फिजिकल एक्टिविटी पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में मदद करती है। उनका दिल बहलाने के लिए मोबाइल फोन को उनके हाथ में ना दे। कब्ज का प्रॉब्लम बच्चों में कॉमन होता है और आमतौर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इसे ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में कोई भी कंसर्न या चिंता हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना ना भूले। सो विद दैट सेड गाइज, वी एंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज कॉमेंट बिलो।